स्पीड लिमिटर आगे कहीं पे भी रोक लेंगे। आपने लंच नहीं किया, आगे देखते हैं। भाई साइड हो जाओ, ये बावड़ी पूंछ मैन तो सारे ही ऐसे हैं। अरे भाई की जबरदस्त BMW आज तो मतलब कहर ही चल रहा है। अली भाई पीछे रह गए कहीं। थोड़े पीछे रह गए और दोनों KTM वाले भाई भी हम नॉर्मली चला रहे, ज़्यादा कुछ खुश खुश नहीं। भाई जाएंगे वहाँ दो तीन दिन रहेंगे, हम कोशिश करेंगे वापस आते हुए फिर मिले भाई को। ये निकले जाहिर भाई आगे और मल्टी स्टार्टर का फिर वेट होते हुए। तो भाई ये रही BMW S1000RR M Sports। फक यार, मल्टी 1290। हाँ भाई को पता है, भाई ने भी तो डुकाटी उठा रखी है। आपका तो वो था ना बूसा, हाँ वही। पर मैंने देख, मेरे को लगा शायद आते हुए लेके आयो। तो चलो गाइस, लिटिल चेंज ऑफ प्लान, थोड़ा आगे 2 किलोमीटर पे ही वो कह रहे हैं कि एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है तो वहीं रुकते हैं। से हम वापस हो लेंगे और भाई लोग आगे चले जाएंगे। जिसकी वजह से मैं एक ADV प्लान कर रहा था गाइस। एंग्री बर्ड, शी इज लुकिंग सो एंग्री। जाहिर भाई की BM नहीं, राग भाई की KTM RC एंड KTM 390। सो दिस इज द लाइनअप फॉर टुडे। तो भाई अभी थोड़ा आगे तक मैं भाई लोगों के साथ आया, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा क्योंकि इनको आगे अलीपुर द्वार जाना है। अलीपुर द्वार वाले बहुत लोग बुला रहे थे मीटअप के लिए, बट वो बाद में करेंगे इवेंचुअली जब टाइम मिलेगा। तो अभी सारे रुक के चाय वगैरह पी रहे हैं, फिर हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। तो भाई स्विच फोकस, ओहो दोनों दोनों साथ में, आगे से देखोगे तो लाल 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 लाल। दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड भाई लोगों के लिए हैप्पी जर्नी, आगे सिक्किम वगैरह राइड प्लान कर रहे हैं। जैसी लैंड स्लाइड वगैरह वहाँ खुल जाएगी तो आगे जाएंगे। बहुत ही प्यारे भाई लोग हैं अपने पर इनका तो अभी थोड़ा चल रहा है एंगेजमेंट के बाद से ना, थोड़ा फोन ज्यादा चल रहा है। भूसा क्यों नहीं लाया भाई? भूसा नहीं लाया क्योंकि इस बार थोड़ा इतना बार ना सब हर जगह भाई भूसा लेके घूमे ना। ये वाला किसका? ये कंपनी का ही मतलब। अच्छा, अरे गुड यार। तो डुकाटी हमें भी दे दो कुछ। आप वो सर है ना डुकाटी के साथ। और ये रहे हमारे
भाई जिनको नई नई BMW कैसे लग रहा है फील? बहुत अच्छा लग रहा है। पावर कैसी है? सबसे ज्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है कि नया। देखो भाई नई नई बाइक लेने के बाद जो रोड ट्रिप का वो बनता है ना। बस 100 किलोमीटर चलाया उसके बाद ही निकल गया मैं, फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुआ। फर्स्ट सर्विस इसके बाद होगी ट्रिप के बाद। तो गाइस ये रहा हिराक भाई का BMW S1000RR M। भाई क्या लग रही है यार ये देखो। और भाई ने इसमें फुल सिस्टम लगा रखा है, ये नीचे से आप देखोगे जो बढ़िया से कलर वाला आ रहा है फुल सिस्टम है विद M कैलिपर्स। एंड ये बाइक का मैं पहले भी रिव्यू कर सकता था बट जो बंदा लेके आया था वो बहुत ही चूतिया था इसलिए हमने किया नहीं। और इसके ये डाउन फोर्स वाले विंगलेट जो आगे से इसका ये लुक आता ना पीक वाला, ये है ज़बरदस्त लुक। ये देखो यार कितनी, मैं कह रहा हूँ भाई 100K करो। और ये लेते हैं लाल में, और इसमें पीछे सीट भी दे रखी है देखो। वाह मैडम पीछे बैठ भी सकती हैं। और ये रही मल्टी स्टाडा V2S, ये अभी हम चंडीगढ़ गए थे तब आपने देखी थी वाइट कलर में। एंड डुकाटी डेजर्ट एक्स जो हम चला के लाए थे, अली भाई फोटो शूट कर रहे हैं V4S पे भाभी को भेजने के लिए। तो गाइस इस पे और डेजर्ट एक्स पे सेम, बिल्कुल सेम इंजन है। एंड डेजर्ट एक्स का भी सेम इंजन है और इसका भी सेम इंजन है। एंड इसके ऊपर जो आता है मॉडल वो है मल्टी स्टाडा का V4S पीक जो अराउंड 30 लाख के आसपास पड़ता है। एंड आगे से ये है इसका पीक, जो इसका पीक डिज़ाइन है जिसको बोलते हैं मल्टी स्टाडा का। एंड बीच में आपने देखा भाई खड़े होकर चला रहे थे। मेन फ़ायदा ये है इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, ये वाला जगह बहुत कम है, ये वाला डिस्टेंस अच्छा है जिसकी वजह से आप ऑफ रोडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो भाई एक ADV भी बनती है। फोटो शूट चल रहा है, फोटो शूट भाई तब तक इसकी आवाज़ सुनाते हैं इसको। पक्का पक्का सर पक्का, नहीं यार बैठना अलाउड नहीं है। चलो सर ध्यान से, बहुत अच्छा लगा मिलके, जल्दी मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा भैया, वैसे मिलते आते वक्त। पक्का पक्का, लंच डिनर जो भी वहीं पे मेरे साथ। तो भाई लोग जा रहे हैं आगे। ओके सर टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर से मुलाकात होगा, वहीं जाएंगे जहाँ पे प्लान किया है। तो भाई लोगों, हम भाई लोगों को मिलके हम निकल गए हैं। भाई अभी यही सोच रहे कि भाई अभी पहला
सर्विस हुआ नहीं, हम निकल गए हैं इसलिए लिमिटर लगा हुआ है। तो जैसे ही उनका लिमिटर ख़त्म होता है वापस आते आते होपफुली हो जाएगा, बट यहाँ पे सर्विस का नहीं है तो सर्विस तो उनको वापस जाके वही करानी पड़ेगी। ये ट्रक का ही पंगा है भाई, ये अपने हिसाब से ही चलते हैं और अपने, ये देखो बात करते करते जा रहे हैं। सकता भाइयों के साथ ही हो, डिपेंड करता है इनका प्लान कैसे रहता है, कब तक पहुंचते हैं। फिर वो वाला भी आपको ब्लॉग है कैसे वो चल रही है भाई, डांसिंग कार सुनी थी, डांसिंग बस तो पहली बार सुन रहा हूं मैं।